दोस्तों, प्रकृति की बनाई इस सृष्टि में जहां हमारी पहुंच नहीं है, अक्सर उनका रहस्य हमें बहुत आकर्षित करता है। प्राचीन काल के मानवों को उड़ने वाले पक्षी चकित कर दिया करते थे, क्योंकि वो स्वयं उड़ नहीं सकते थे। उन्हें लगता था कि काश वो भी हवा में उड़ पाते तो अपने दैनिक जीवन में होने वाली बहुत सारी समस्याओं को हल कर लेते। लेकिन मनुष्य का खोजी स्वभाव, अज्ञात को जानने की तीव्र लालसा ने आज उसे विज्ञान के उस शिखर पर पहुंचा दिया है, जहां वो न सिर्फ स्वयं अपने विमान में उड़ सकता है, बल्कि सैकड़ों लोगों को एक साथ लेकर उड़ान भर सकता है, ध्वनि की गति से कई गुना तेज हवा में उड़ सकता है और अंतरिक्ष की अज्ञात गहराइयों में उतर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये सब कुछ पिछले 114 वर्षों में हुआ है। 114 साल पहले इस धरती पर कोई मनुष्य किसी भी तरह की उड़ान भरने में सक्षम नहीं था। लेकिन 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं ने नॉर्थ कैरोलिना में दुनिया की पहली सफल मानवीय उड़ान भरी, जिसमें उनका यंत्र नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया। लेकिन उनका ये यंत्र कोई विमान नहीं था, बल्कि एक उन्नत किस्म का ग्लाइडर ही था। प्रिंटिंग प्रेस, बाइसिकल और मोटर आदि के साथ काम करने का अनुभव और नियमित नए प्रयोगों से सीखने वाले ज्ञान से उन्होंने एरोडायनेमिक्स के वो सिद्धांत विकसित किए जिन पे आधारित आज के विमान हवा में उड़ते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले पानी में चलने वाले विशाल जहाजों के निर्माता, विश्व के 7 आश्चर्यों में गिने जाने वाले गीजा के पिरामिड और पीसा की मीनार आदि के निर्माता मनुष्य ने हवा में उड़ने वाले जहाजों के लिए कुछ नहीं किया, या उसे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये विकासवाद का ऐसा तथ्य है जो विकासवादियों की उल्टी बुद्धि को थोड़ी देर के लिए स्थिर कर देगा। ऐसा नहीं है कि प्राचीन मनुष्य ने विमानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि हवा में उड़ने का स्वप्न उसका बहुत पहले से ही रहा है। सच तो यह है कि इस धरती ने कई बार विनाश देखा है। आखिरी बार इसने आज से 5000 साल पहले महाभारत काल में देखा था। उस समय उस महायुद्ध को एकदम से आसन देखकर अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे केशव, अगर ये युद्ध हुआ तो सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा? दोस्तों, अर्जुन की ये चिंता एकदम उचित थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी काफी उन्नत अवस्था में थी और हर योद्धा के पास एक से बढ़कर एक विनाशकारी हथियार हुआ करते थे, जिनमें जरासंध, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, शल्य और भीष्म जैसे योद्धा अकेले ही पूरी धरती का संहार करने में सक्षम थे। लेकिन अर्जुन शायद ये नहीं जानते थे कि ये धरती बची रहे, इसका ज्ञान विज्ञान भी बचा रहे, लेकिन सुरक्षित हाथों में रहे और सब कुछ नियंत्रित वातावरण में ही हो, ये सुनिश्चित करने ही तो कृष्ण इस धरती पर आए थे। दोस्तों, फिर भी महाभारत युद्ध की वजह से प्राचीन ज्ञान विज्ञान की अभूतपूर्व क्षति हुई और रही सही कसर पूरी कर दी। मध्यकाल के अति बर्बर और जाहिलाताइयों और आक्रमणकारियों ने, इन रक्त पिपासु पिशाचों ने यहाँ के विश्वविद्यालयों में और आचार्यों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखे गए अमूल्य ज्ञान की निधियों को अग्नि में भस्मसात कर दिया था। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले तक भारत में विमानों का प्रयोग प्रचलित था। चाणक्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया है। फिर महाराजा भोज के सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ में भी पारे से उड़ने वाले विमानों का जिक्र है। इसी प्रकार मध्यकालीन ग्रंथ युक्ति कल्पत्र में भी विमानों का उल्लेख हुआ है। दोस्तों, अंग्रेज विद्वान थॉमस मैकाले ने जब यहाँ के बचे हुए संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करा के पढ़ना शुरू किया तो उसे विमानों के रूप में कुछ रहस्यमय नजर आया। उसके कुछ समय बाद महर्षि दयानंद ने अपना ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखा, जिसमें उन्होंने पूरा एक अध्याय इन्हीं विमानों पर लिखा। उसमें उन्होंने महर्षि भरद्वाज कृत वैमानिक शास्त्र का भी उल्लेख किया। उस समय अंग्रेज विद्वानों की जो मंडली भारत में थी, उन्हें इन सब पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उनकी लोलुप निगाहों में वैमानिक शास्त्र और यंत्र सर्वस्व जैसे ग्रंथ बैठ चुके थे। उन यूरोपीय विद्वानों ने देखा कि जिनका जिक्र ग्रंथों में हुआ है, वे केवल हवा में उड़ने वाले विमान नहीं थे, बल्कि अविश्वसनीय हथियारों से लैस, अकल्पनीय गति से अंतर तारकीय यात्राएं करने में सक्षम विमान थे। दोस्तों, ऐसा ही एक विमान अमेरिकी सेना को सन 2009 में अफगानिस्तान की पहाड़ियों में मिला, जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया। उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, जर्मनी की एंजेला मोर्केल समेत दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसे देखने आए थे।
दोस्तों कहा जाता है कि जब अमेरिकी सैनिकों ने पहली बार इस अनोखी चीज को देखा तो वे इसे गुफा से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। उनके इसी प्रयास में वो विमान सक्रिय हो गया, जिसकी वजह से वहाँ प्रकाशीय किरणों के साथ एक जबरदस्त विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ और वहाँ एक कालगहवर यानी टाइम वेल का निर्माण हुआ, जिसमें फंस जाने के कारण 8 अमेरिकी सैनिक गायब हो गए। दोस्तों, रशियन सैनिकों को ये बात पहले से पता थी। आज से 35-40 वर्ष पहले जब वे चरमपंथी अफगान लड़ाकों से लोहा ले रहे थे, तभी उन्होंने इस विमान को वहाँ देखा था। उनके रिपोर्ट के अनुसार ये संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ महाभारत के काल का रुक्म विमान था। पुराने समय के ऋषि महर्षि, चाहे वो धर्म प्रवर्तक रहे हों या किसी विद्या या कला के आविष्कारक रहे हों, अपने विषय को वेद से अनुमोदित या आविष्कृत हुआ घोषित करते थे, क्योंकि उनका ज्ञान वो वेद से ही प्राप्त करते थे। दोस्तों, इसी प्रकार से महर्षि भारद्वाज ने भी वेद से ही वैमानिक शास्त्र को आविष्कृत किया। दोस्तों, दरअसल वैमानिक प्रकरण या वैमानिक शास्त्र यंत्र सर्वस्व ग्रंथ का ही एक भाग है, जिसमें यंत्रों के विषय में ऐसे 40 अध्याय थे। वर्तमान में संपूर्ण ग्रंथ की प्राप्ति अलभ्य है। ऐसा नहीं है कि वैमानिकी पर केवल भारद्वाज मुनि ने ही काम किया, बल्कि उनसे भी पहले जिन मुनियों आचार्यों के नाम मिलते हैं, उनमें प्रमुख रूप से नारायण मुनि, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रयणी और गुंडीनाथ आदि हैं। इनकी कृतियों में विमान चंद्रिका, व्योमयान तंत्र, यंत्र कल्प, यान बिंदु खेटान प्रदीपिका और व्योमयानार्क प्रकाश है। दोस्तों, प्राचीन विमानों के निर्माणकर्ता में विश्वकर्मा, मनु और मैदानवादि का नाम आदर से लिया जाता है। यंत्र सर्वस्व के केवल वैमानिक प्रकरण, जिसे दुनिया वैमानिक शास्त्र के नाम से जानती है, को 8 अध्यायों, 100 अधिकरणों और 500 सूत्रों में महर्षि भारद्वाज ने रचा था। जैसा कि महर्षि भारद्वाज ने स्वयं अपने मंगल आचरण वचन में कहा है, सूत्र पंचस्तरयुक्त शताधिकरणस्थ था, अष्टाध्याय समायुक्त मति गूढ़ मनोरम। इस ग्रंथ का काल क्या है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने बताया भी है तो केवल अनुमान के तौर पर बताया है, क्योंकि मूल हस्तलेख आज तक किसी को नहीं मिला, बल्कि जहां भी मिली प्रतिलिपि ही मिली है। दोस्तों, पहली प्रतिलिपि 1918 की थी, जो बड़ौदा राजकीय संस्कृत लाइब्रेरी में मिली थी। दूसरी प्रतिलिपि 1919 की थी, जो पुणे से मिली। इसमें लोहतंत्रम, दर्पण, प्रकरण, शक्ति तंत्रम आदि लगभग 100 वैमानिकी ग्रंथों का उल्लेख हुआ, और इसमें नारायण, गालव आदि लगभग 36 आचार्यों का भी नाम दिया है, जिन्होंने वैमानिकी के विकास में योगदान दिया। दोस्तों, विमान शब्द का अर्थ वास्तव में जिस संस्कृति ने पूरी दुनिया को विमान शब्द से परिचित कराया, उसी सभ्यता और संस्कृति के लोग हवा में उड़ने के लिए वायुयान का प्रयोग करते थे। आज भी पूरी दुनिया वायुयान का ही प्रयोग करती है, विमान का नहीं। प्राचीन भारतीय लोग हवाई यात्रा के लिए वायुयान और समुद्री यात्रा के लिए जलयान का प्रयोग करते थे, तो फिर विमान क्या था? दरअसल विमान शब्द विमा से आया है, जिसका अर्थ आयाम यानी डिमेंशन होता है। दोस्तों, वास्तव में विमान एक ऐसा यंत्र था जिसमें बैठकर अंतर्विमीय यानी दूसरे आयामों में यात्रा की जा सकती थी। तो स्पष्ट रूप से ये समझा जा सकता है कि प्राचीन काल के विमान लोकोत्तर यात्राएं करने में सक्षम थे। दोस्तों, भारतीय ग्रंथों में 3 तरह के विमानों का जिक्र आया है, मांत्रिक, तांत्रिक और यांत्रिक। मांत्रिक विमान वो होते थे जो स्वयं सिद्ध थे, यानी पूरे विमान की एक स्वतंत्र चेतन सत्ता होती थी, जिसे मंत्रों द्वारा मानसिक शक्ति से नियंत्रित किया जा सकता था। पुष्पक विमान इसी श्रेणी का विमान था। दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण में उल्लेख आया है कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। वास्तव में मन की गति यहाँ प्रतीकात्मक है। पुष्पक विमान या मन की गति से उड़ने वाले अन्य विमानों को जहाँ से उड़ान भरनी होती, वहाँ वो अव्यक्त होता और सीधा उसी स्थान पर व्यक्त होता जहाँ उसे प्रकट होना होता था। इसमें बीच का समय अंतराल इतना अल्प होता था कि उसमें बैठे यात्री को इसका पता ही नहीं लगता था कि कब वो अव्यक्त हुआ और कब व्यक्त हुआ। दोस्तों, तांत्रिक विमान वो होते थे जो औषधियुक्त विभिन्न शक्तिमय पदार्थों के प्रयोग से चलते थे। महाभारत काल में इनका काफी प्रयोग हुआ है। यांत्रिक विमान कई प्रकार के होते थे, जिनमें प्रमुखता शकुनी विमान, जो पक्षी के आकार का पंख कुछ सहित विमान होता था। दूसरे में रुक्म विमान, जो खनिज पदार्थों के संयोग से चलने वाला और रुक्म अर्थात सोने जैसी आभा बिखेरने वाला लौह धातु से बना विमान होता था।
तीसरे में सुंदर विमान जो धुएं से चलने वाला विमान होता था, और चौथे में त्रिपुर विमान जो तीनों स्थानों जल स्थल और गगन में गति करने में सक्षम एक विशालकाय विमान होता था। इन विमानों की गतियां भी विभिन्न प्रकार की होती थी, जिनके नाम चालन, कंपन, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, मंडलगति, चक्रगति, धूमगति, विचित्रगति, अनुलोमगति, दक्षिणगति, विलोमगति, वामगति, प्रांगमुखगति, स्तंभनगति, तिरकगति, विविधगति और नानागति थे। आकाश में विमानों के मार्ग 5 प्रकार के थे, जिसमें रेखापथ, मंडलाकार, कक्षीय मार्ग, शक्ति मार्ग और केंद्र मार्ग थे। दोस्तों, महर्षि भरद्वाज कृत इस वैमानिक प्रकरण में शत्रु द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रहारों से और आकाशीय पदार्थों से भी अपने विमान की रक्षा करने के तरीके दिए गए हैं। जैसे अगर शत्रु ने आपके विमान के रास्ते में कोई दम्भोली यानी एक प्रकार का प्रक्षेपास्त्र फेंक दी हो, तो उसके प्रहार से बचने के लिए अपने विमान की तिर्यक गति कर देने या अपने विमान को कृत्रिम बादलों में छिपा देने और शत्रु के विमान पर तामस यंत्र से तम यानी अंधकार का प्रहार करने, जिससे उसके विमान के आगे दिशाहीनता की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसे विकल्प हुआ करते थे। युद्ध काल में इन विमानों को शत्रु द्वारा भूमि में छिपाए हुए भीषण प्रहारक अग्निगोल से भी खतरा होता था। यद्यपि ये अग्निगोल धरती के भीतर गहराई में छिपाए गए होते थे, लेकिन इनके रेंज में अगर कोई हवा में उड़ता हुआ विमान आ जाए तो उनमें भीषण विस्फोट होता था और वो विमान को नष्ट कर देता था। इनसे बचाव के लिए इन विमानों में गुहागर्भदश यंत्र लगे होते थे। इन गुहागर्भदश यंत्रों से शक्तिशाली सूर्य किरणें निकलती थी, जो जमीन के भीतर काफी गहराई में प्रविष्ट होकर उन छिपे हुए विस्फोटक पदार्थों को ऊपर विमान में चित्र रूप में दिखा देती थी। दोस्तों, यहाँ गुहागर्भदश यंत्र को हम एक तरह का रडार समझ सकते हैं, और शक्तिशाली सूर्य किरणें उच्च क्षमतावान विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी, जिनका प्रयोग विमानों के गुहागर्भदश यंत्र करते होंगे। इसमें आकाश में भी शत्रुओं के आक्रमण से बचाव के लिए कई उपाय बताए गए हैं। जैसे यदि शत्रु के कई विमानों ने अपने विमान को चारों तरफ से घेर लिया हो, तो अपने विमान की द्विचक्र कीली को चलाने से 87 डिग्री की एक ज्वाला शक्ति प्रकट होती थी। उसे मंडल आकार में घुमा देने पर उसके आसपास के सारे शत्रु विमान जलकर भस्म हो जाते थे। यदि आपके विमान के तरफ कोई शत्रु विमान प्रचंड वेग से आ रहा हो, तो शत्रु के विमान की तरफ 4087 तरंगे फेंक कर उसे उड़ने में असमर्थ किया जा सकता था, जिससे वो नष्ट हो जाता था। मालूम पड़ता है कि 4087 किसी विशिष्ट प्रकार की तरंग का नाम था, जिसमें इतनी क्षमता थी कि किसी विमान के पूरे वैमानिक तंत्र को कार्य करने से रोक दे। इसमें नीचे खड़ी शत्रु सेना पर अपने विमान से शब्द संघन या महाशब्द प्रहार किया जा सकता था, जिससे नीचे खड़े शत्रु सैनिक या तो बहरे हो जाते थे या हृदय भंग को प्राप्त होते थे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।